दोस्तों, अगर टाटा को कोई पैसेंजर सेगमेंट से निकाल के एकदम अगर प्राइवेट कार की कैटेगरी में लेके आए तो ये गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। टाटा नेक्सॉन काफ़ी पॉपुलर गाड़ी थी, 2018 से ही अच्छी सेल कर रही है और एक साल से ऊपर हो गया है अब बिकते हुए मार्केट में। और आज हम बात करने वाले हैं इसी के एक प्राउड ओनर से जिनको चलाते हुए इसको एक साल हो गया है। और तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इस मीटर गाड़ी की जो है करंट रीडिंग कितनी हो चुकी है। तो चलिए, चौहान साहब आ गए हैं तो दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको मीटर ऑन करके। और आपको अगर इस वीडियो में जो पूछे गए सवाल हैं वो डिस्क्रिप्शन में एक दिन के बाद मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप उनमें से टाइम फ्रेम देख के देख मतलब वीडियो को मूव करके देख सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के बारे में जानना चाहते हैं, आपको पूरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बता दिया आपको कि गाड़ी लगभग 13,000 किलोमीटर चल चुकी है, तीन सर्विस हुई है, वो तीनों की तीनों चलो पेड तो नहीं हुई थी, अभी पेड वाली सर्विस भी स्टार्ट होगी, लेकिन एक साल और एक महीना ऑलमोस्ट हो गया गाड़ी को। तो चौहान साहब है मेरे साथ, अमित चौहान मेरे कलीग हैं और अच्छे फ्रेंड भी हैं, तो गाड़ी के बारे में बताएंगे, थोड़े जेन्युइन जो इनके थॉट्स हैं गाड़ी के बारे में और एक साल की जो जर्नी रही है उसके बारे में आज बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। तो चौहान साहब, सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि इस गाड़ी में मतलब नेक्सॉन को क्यों चूज़ किया आपने? बेसिकली मेरा जो पर्पस था गाड़ी लेने का वो था कि मेरे को एक तो इंटीरियर थोड़ा अच्छा मिल जाए, दूसरा मैं चाहता था कि थोड़ी गाड़ी है ना, मतलब दिखने में अच्छी हो लुक वाइज, ठीक है। तो मैं एसयूवी लेने की सोच रहा था, तो मैं गया, लेकिन मैंने कंपैरिजन किया सेडान के साथ भी, तो मैंने सियाज वगैरह गाड़ी भी देखी थी उस टाइम पे, मैंने डिजायर भी देखी, लेकिन जब मैंने ये गाड़ी देखी तो फिर मेरे को लगा कि यार जो मैं देख रहा हूँ मेरे को इस गाड़ी में सब मिल रहा है, ये थोड़ा यूनिक थी और ये नया आया था मार्केट के अंदर, ठीक है। तो फिर मैं टाटा नेक्सॉन की तरफ गया, मेरे को लगा कि ये बेटर चॉइस। तो अगर मैं चॉइस की बात करूं तो कौन सा वेरिएंट है गाड़ी का? ये मेरा एक्सटी वेरिएंट है, एक्सटी तो टॉप से एक नीचे आता है, एक नीचे आता है, तो एक्स जेड होगा जो टॉप होगा। हाँ, तो आप मतलब बता सकते हैं कि ये वाला वेरिएंट क्यों चूज किया आपने? एक्चुअली मैं कंपैरिजन कर रहा था, ठीक है, एक्सेसरीज में, प्राइस में, तो जो मेरा टॉप, इसका जो टॉप वेरिएंट आता है उसमें दो तीन चीजें थी, लाइक एक मेरे को पुश बटन मिल जाता है यहाँ पे, दूसरा इंटीरियर में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, एक यहाँ पे मेरे को हेडरेस्ट मिल जाता है, हाँ हेडरेस्ट के लिए मिल जाता है, उसके बाद एक अलॉय व्हील है। तो मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे को लगा कि वर्थ नहीं है, अगर मैं एक मतलब 1.5 लाख के आसपास अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हाँ तो मतलब वो 130, 140 या 150 इतना मेरा था, ठीक है। तो मेरे को लगा कि नहीं करना चाहिए, कि मैं मेरे को यही ले लेना चाहिए, अगर मेरे को कुछ चेंजेस कराने होंगे तो फिर मैं आगे जाके सोच के करा लूंगा। तो गाड़ी आपकी 13,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट चली है अभी गाड़ी में, और तो मतलब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि पेट्रोल नॉर्मल जो आपकी गाड़ी चली है वो पेट्रोल वाला ही कुछ है, लोग इतना पेट्रोल में चलाते हैं, तो आपने डीजल को क्यों चूज किया? एक्चुअली डीजल मेरा लेने का पर्पस ये था, क्योंकि मेरे को एक तो जो मैंने देखने गया था गाड़ी, तो मेरे दोस्त भी थे और वो भी, हमारा जो ट्रिप्स है हम मतलब एक साल में 2 या 3 ट्रिप लगा लेते हैं, ठीक है, घूमने घामने चले जाते हैं, तो उनके पास भी गाड़ी है, तो मतलब दिल्ली से चलाने के लिए हमारे पास और भी ऑप्शन थे, बट अगर बाहर के ट्रिप में जाते हैं तो हमें कुछ ऐसी गाड़ी चाहिए थी जिसमें हम घूम के भी आ जाएं, तो हमें ज्यादा महंगी भी ना, ठीक है। तो मेरे को यही डीजल में लेने का यही मेरे को वो था कि मैं डीजल में इसलिए ले लूं कि एक तो इसका इंजन हैवी है, ठीक है, 1,550 cc का इंजन है डीजल में, दूसरा बहुत सेफ मतलब बहुत अच्छी चलती है, ठीक है। अगर मैं आपको बताता हूँ, मैं हो गया, मेरे को टाइम लास्ट ईयर गए थे हम दिसंबर में, हम ओली गए थे इसके साथ, ठीक है, तो मेरे साथ 3 दोस्त और थे, नहीं ओवरऑल 4-5 दोस्त थे, तो यहाँ से हम गए ऑलमोस्ट हमने 900 to 1,000 किलोमीटर हमने कवर किया होगा, गाड़ी में कहीं भी कुछ भी इशू नहीं आया, ठीक है, आराम से चल रही, स्मूथ गई, स्मूथ आई, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें बहुत ज़्यादा, हमारा जो ट्रिप था बहुत ज़्यादा सफिशिएंट पड़ गया हमें, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ा। तो इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो आप क्या माइलेज क्लेम कर पा रहे हो इस गाड़ी का? अगर मैं डेली बेसिस पे मैं अगर बात करता हूँ तो मेरे को 19 to 20 तो मेरे को मिल रहा है अभी, जो आप मतलब आप ऑफिस आने जाने, हाँ, अगर क्योंकि अगर देखो दिल्ली एनसीआर में आप भी जानते हो कि अगर आप कहीं जाम में फंस गए तो आपको भी पता है वहाँ पे तो आपको एवरेज कुछ नहीं मिलेगा, आपको जाम में खड़ा रहना पड़ता है, रेड लाइट्स इतनी है, ट्रैफिक इतना है। और अगर मैं एनसीआर को एक्सक्लूड कर दूं, अगर आप बाहर भी गए थे तो नॉर्मल जर्नी में क्या कुछ? तो ये गाड़ी मेरे को अच्छी खासी मेरे को पता है, इसकी गाड़ी ने मेरे को 23 से 24 की आराम से मैंने एवरेज निकाली है इसकी। अगर मैं बात करूं गाड़ी लेने के बाद, अगर आपको सबसे अच्छा क्या लगा गाड़ी का? गाड़ी का सबसे अच्छा मेरे को इंटीरियर लगा, दूसरा इसकी साउंड क्वालिटी बहुत बेटर है, ठीक है, हारमन के स्पीकर्स हैं, ठीक है, और मेरे को ये लगता है कि जब गाड़ी में बैठता हूँ मेरे को एक लग्जरी वाला फील आता है कि हाँ आप अच्छी गाड़ी में बैठे हो, ठीक है।
अपने को इसी पर्पज से। तो अगर मैं बुरी चीजों की बात करूँ कि जो बकवास चीज लगी या बेकार चीज लगी गाड़ी की, वो क्या थी? ये गाड़ी मेरे को पड़ी थी ऑलमोस्ट 10,50,000 की, ठीक है। मेरा ये मानना है कि ये इंडियाज फर्स्ट सेफेस्ट कार है, जबकि अब एड वगैरह भी देखते हो, ठीक है, इसको 5 रेटिंग मिली हुई है। बट इतना पैसा खर्च करने के बाद में मेरे को केवल 2 एयर बैग्स मिले हैं इसके अंदर। मैं चाहता था कि कंपनी को थोड़ा और सोचना चाहिए था, ठीक है। अगर हम 10 लाख के आसपास का भी बजट अगर हम खर्च कर रहे हैं गाड़ी के लिए, तो वो सिक्योरिटी पर्पज से भी सिक्योरिटी पर्पज से थोड़ा उनको थोड़ा इंटीरियर तो चलो अच्छी चीज है, लेकिन उनको थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज से एयर बैग्स पीछे वालों के लिए भी। एज एन बायर आप ये रिकमेंड करते हो कि अगर मतलब इस बजट में एटलीस्ट 4 एयर बैग्स तो होने चाहिए मतलब। तो अगर मैं ये बात करूँ कि कोई एक ऐसा फीचर, देखो कोई ऐसी चीज मत मांग लेना कि जो कंपनी मतलब अब इसमें चेंज ना हो सकते, अगर मैं कोई एक चीज ऐसी जो आप चाहते हो कि गाड़ी में अपग्रेड हो जाए और वो फ्री ऑफ कॉस्ट टाटा अगर ऑफर करे तो। मैंने टाटा जाके भी पता किया था कि मेरे को हैंड्रेस के लिए, मैंने बहुत पता किया कि मेरे को हैंड्रेस कहीं से मिल जाए, बाहर से मैं लगवाना नहीं चाह रहा। मैंने बाहर भी पता किया बाहर से, लेकिन वो वाला फील नहीं आया था। एक बार मैंने रखवाया भी था यहाँ पे लगाने के लिए, उसने लगाया लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगा तो मैंने हटवा दिया। अगर मेरे को हैंड्रेस मिल जाएगा, क्योंकि मेरे को पता है जब मैं लंबे ट्रिप पे जाता हूँ तो हाथ वाथ रखने के लिए थोड़ा अगर हैंड्रेस के लिए मिल जाएगा तो मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तो मतलब कोशिश मेरी भी ये रहेगी कि मैं, अगर कोई मेरा फ्रेंड है या आप लोग कोई वीडियो देख रहे हो, आप रिकमेंड करना चाहते हो कोई हैंड्रेस ऐसा जो आप नेक्सोन में आपने देखा है या यूज करते हुए किसी को, तो आप कमेंट करके प्लीज बताइए कि हो सकता है चौहान साहब को भी वो पसंद आ जाए। तो मैं अगर बात करूँ डीलरशिप की, तो गाड़ी खरीदने से पहले का जो लोगों का बिहेवियर था और जो गाड़ी खरीदने के बाद जब आप सर्विस कराना चाहते हो, उस बिहेवियर में आपको कोई चेंज लगा टाटा के डीलरशिप में? नहीं, एक्चुअली क्या है, मेरे को रिकमेंड किया था किसी ने, ठीक है, सागर मोटर, और वहाँ की सर्विसेज भी बहुत अच्छी है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जब मैं वहाँ पे गाड़ी लेने गया तो मेरे को कुछ चेंजेस नहीं लगे, मतलब उन्होंने पहले भी मेरे को मतलब बिफोर बाइंग जो मैं था वो भी उन्होंने अच्छी सर्विस दी। उसके बाद मैं जब सर्विस कराने नॉर्मल जाता हूँ, अभी तो मेरा कोई पेड सर्विस नहीं है, लेकिन जब मैं नॉर्मल भी गया हूँ तो वो कॉल करके भी पूछते हैं कि सर अभी कोई इश्यू आ रहा है। तो एक बार आया था, ठीक है, मेरे ये जो स्टेयरिंग है तो यहाँ से ना आवाज़ आ रही थी, पता नहीं किसी रॉड की, पता नहीं कैसी घर 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 की आवाज़ आ रही थी। तो वो मैंने उनको कंप्लेन किया, उन्होंने मेरे को दोबारा बुलाया, उन्होंने गाड़ी बोला कि सर आप एक दिन के लिए छोड़ जाओ, हम ये गाड़ी आराम से देख लेंगे आपका। उन्होंने फिर वो चीज़ मेरे को ठीक करके दिया। जो इंश्योरेंस चॉइस होती है बेसिकली, क्योंकि अब एक साल से ऊपर निकल गया तो आपने एक बार इंश्योरेंस इसका रिन्यू करवा दिया। हाँ, मेरा इंश्योरेंस रिन्यू। तो इंश्योरेंस जो चॉइस थी आपकी वो क्या थी मतलब? बेसिकली जो मेरे को गाड़ी मिली थी ये, तो गाड़ी का जो इंश्योरेंस था वो ICICI से था, ठीक है। तो फर्स्ट इंश्योरेंस मैंने देखा था, आई गेस 35,000 का होगा। तो सेकंड इंश्योरेंस मैंने जब पूछा तो वो 40,000 का था जो मेरे को बोल रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि सर मेरे को कोई बेस्ट बताओ आप, ठीक है। तो ICICI वालों ने कॉल किया, उन्होंने मेरे को कुछ तो दिया नहीं, मतलब वो इतना ही दे रहे थे। तो फिर मैंने और कंपैरिजन किया, ठीक है, फिर मैं गया सीधा टाटा मोटर्स के पास, मैंने उनको बोला कि यार मेरे को इंश्योरेंस इतना महंगा पड़ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को सस्ते में इंश्योरेंस दिला दिया। सस्ते में इंश्योरेंस मतलब? एज इन उन्होंने ये सारी चीजें जो चीजें मेरे को 40,000 जो मेरे को 40,000 की इंश्योरेंस में मिल रही थी, तो उन्होंने मेरे को इफको टोक्यो जो कि इंश्योरेंस है, उन्होंने सेम चीजें मेरे को उसमें दिला दी, ठीक है। और वो आई गेस मेरे को 17-18,000 का पड़ा। 17-18,000, गुड। और ये मतलब ऑफलाइन हुआ टोटली जो प्रोसेस? हाँ, ऑफलाइन हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये मैं डीलरशिप के थ्रू गया, मेरे जो डीलर है उसके थ्रू गया, ताकि अगर कल को मेरा कुछ भी इश्यू होता है तो मैं किसी और के पास नहीं जाऊँगा, सीधा मेरे डीलर को बोलूंगा कि सर आपने कराया इंश्योरेंस, ये रहा मेरा इंश्योरेंस और ये मेरी प्रॉब्लम है, आप सॉल्व करो। तो इससे पहले अगर इस विद इन 1 ईयर कोई एक्सीडेंटल हिस्ट्री रही है? हाँ, एक्सीडेंटल हिस्ट्री मेरी रही है। एक्चुअली क्या था, मैं गाड़ी जब लेके जा रहा था तो वहाँ पे थोड़ा डिक्लाइन वाला था, तो वो मैंने हैंड ब्रेक नहीं लगाया, तो सामने एक पेड़ था उस पर जाके ना मेरा बोनेट लग गया था। तो बोनेट वो मेरे को रिपेयर कराना, उनको बोल के रिक्वेस्ट करके मेल करके उन्होंने फिर वो मेरा क्लेम अप्रूव किया। तो बस मेरा ये गया, वो 3,000 आई गेस 3,000-4,000 का था मेरा टोटल। तो मतलब बेसिकली वो हो गया थोड़ा, वो हो गया, लेकिन थोड़ा। आई थिंक इनिशियली आपको डीलरशिप में अगर अप्रोच करते या आप इंश्योरेंस से डायरेक्ट अप्रोच करते तो मे भी शायद पहले ही ठीक हो जाता, आपको बाहर से अगर काम ना करते। हाँ, अगर ये, क्योंकि ये भी था कि जब मेरे साथ हुआ था तो फिर मैंने सोचा कि एक बार मैं घर पे बताऊं, तो थोड़ा ये भी डर भी रहता है कि यार की नई गाड़ी है कि आपने कहाँ लगा दी था। वो ऐसा नहीं है नॉर्मल कि मैंने कहीं पे हिट कर दी खड़ी गाड़ी, बस ये था हैंड ब्रेक नहीं खींचा था मैंने, और वो न्यूट्रल वाले मोड पे थी और वो नीचे सीधा जाके सीधा पेड़ पे टकरा गई।
ठीक है, तो मतलब जो मेरे को जो लर्निंग समझ आ रही है वो बेसिकली ये आ रही है कि कई बार हम क्या करते हैं कि मोटा मोटा जल्दबाजी में जल्दबाजी में हैंड ब्रेक खींचना, या मतलब हैंड ब्रेक वाला तो हो गया। दूसरी चीज ये भी है कि इंश्योरेंस वाला जो पार्ट होता है ना, इंश्योर्ड गाड़ी अपनी इंश्योर्ड होती है, पूरा पैसा दिया होता है, लेकिन हम उनको कॉन्टेक्ट करने की बजाय नियर बाई जो भी कोई मतलब मैकेनिक मिलता है या जो एक जो सलाह देने वाले बंदे होते हैं ना, ये ज्यादा खराब करते हैं। क्योंकि देखो हम अपने दिमाग से कम काम करते हैं, ऐसे मामलों में किसी ने किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेते हैं और वो जो एक्सपर्ट है ना ऐसे मामलों में खराब कर देता है कई बार, क्योंकि हम थोड़ा ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। तो थोड़ा एक बार इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके एक बार इस चीजों को डाउट को क्लियर किया जा सकता है। टोल फ्री नंबर होती है, कोई दिक्कत नहीं है। वो रात का मामला अलग चीज है, लेकिन क्लेम मिल गया चलो बहुत अच्छी बात है। ऑलमोस्ट चीजें हमने कवर कर दी हैं, तो थैंक यू चौहान साहब आपका कीमती टाइम निकालने के लिए। काफी टाइम मैंने खराब कर दिया आपका। और आपका भी अगर नेक्सॉन को लेके अगर कोई भी सवाल आपका डीजल नेक्सॉन को लेके, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि चौहान साहब आपके आंसर देंगे क्वेश्चन के। मेरे साथ ही रहते तो मैं आपके क्वेश्चन के आंसर करवाने की जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपकी भी कोई भी सजेशन है वीडियोस को लेके तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। और गाड़ी के बारे में जैसा कि मैंने पहले बोल ही दिया। थैंक यू दोस्तों।